हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल जीएस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक भी करते रहें। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो कितना समय लगा था? 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन। आप ये देख रहे हैं, ये भारतीय संविधान की सभा है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय की ये फोटो है जो इसमें दिखाई गई है, और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान सभा के जब इसका बंटवारा हो रहा था तो उस समय 389 सदस्य थे कुल, जो उससे भारत में 299 रह गए। जब पाकिस्तान से हमारे देश का बंटवारा हो रहा था तो उस समय 389 सदस्य थे, और जब बंटवारा हो गया तो भारत में 289 सदस्य रह गए, जिनमें से 229 चुने गए थे और वहीं पर 70 मनोनीत किए गए थे। और इसमें ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसमें भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी? 15 संख्या थी, और अनुसूचित जाति की 26, अनुसूचित जनजाति की 33 सदस्य। तो ये भी आप याद रखिएगा। और इससे अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है, संविधान सभा का सबसे पहली बार जो विचार आया था वो स्वराज पार्टी ने दिया था, ये 1924 ईस्वी में इसे प्रस्तुत किया था। और यह एक सदस्य की जो आवंटन किया जाता है वो 10 लाख आबादी पे किया जाता है। इसमें इतने दिन लगे थे, और ये कुल इतने दिनों में, 2 साल 11 माह 18 दिनों में 114 दिन बैठक की गई थी संविधान सभा की। और ये अन्य फैक्ट भी हैं, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी? आज के संसद भवन सेंट्रल हॉल में। और इसके सबसे पहले संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जे बी कृपलानी थे, और इसकी अध्यक्षता जो की थी, अस्थाई जो अध्यक्ष थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इसी पहली बार जो बैठक हुई थी, इसी बैठक में स्वतंत्र देश की मांग करते हुए जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे उन्होंने इस सभा का बहिष्कार किया था। अन्य पॉइंट क्या क्या है, 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए, और उपाध्यक्ष कौन बने थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो ये भी आप याद रखिएगा। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे, यानी तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली और भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश बने। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मसौदा समिति बनाए, और इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे यहाँ पर लिखा है, आप ये देख सकते हैं। 16 जुलाई 1948 को हरेंद्र कुमार मुखर्जी ये संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए। अन्य फैक्ट क्या है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया। संविधान सभा ने 26 नवंबर, ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है और हर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता रहता है कि संविधान, भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें संविधान सभा ने सभी हस्ताक्षर किए और संविधान सभा को पारित कर दिया गया, और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। तो इससे संविधान सभा से रिलेटेड इतने फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो ये एकात्मक एवं संघात्मक। संघात्मक का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो राज्यों का संघ होगा का मतलब क्या हुआ, हमारे देश में जो भी 28 राज्य हैं उन्हें भारत से अलग होने की अनुमति नहीं है, वो अलग अलग खंड है लेकिन फिर भी वो एक संघ के रूप में एक है। तो ये आप याद रखिएगा, एकात्मक एवं संघात्मक। नेक्स्ट ये शब्द दिया गया है, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो एक ऐसा राज्य जहाँ पर अध्यक्ष, जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होते हैं, वो वंशानुगत रूप से नहीं होते बल्कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये भी गणतंत्र का मतलब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, मतलब हमारे देश में जितने भी धर्म हैं सभी धर्म समान हैं, किसी धर्म को ऊपर या नीचे नहीं देखा जाएगा, सभी धर्म को समान देखा जाएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा में किस रियासत,
के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था, तो ये हैदराबाद के थे जिन्होंने भाग नहीं लिया था, ये भी अक्सर पूछा जाता रहता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये मैंने अभी आपको बताया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब चुने गए, तो ये भी पूछा जाता रहता है, 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी, ये भी याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बी एन राव द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। अन्य पॉइंट क्या क्या है, प्रारूप समिति के जो सदस्य संख्या थी वो याद रखना है, ये 7 थे टोटल, और ये 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों की नियुक्ति की, उनमें से ये एक प्रमुख एक थी ये प्रारूप समिति। अन्य समितियां कौन कौन सी थी ये भी देख लीजिए, वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। और इन जो संघ शक्ति समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी आप याद रखिएगा। और संघ संविधान समिति इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो ये सभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो ये संविधान के अनुच्छेद में जो दिया गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद ये किसमें किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 32 से 35 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत आपने देखा होगा, और इसे संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है, और संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंदर 5 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। कौन कौन से हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रिचाय, ये भी आप याद रखिएगा, ये 5 प्रकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान की कुंजी किसे कहा गया है, तो ये प्रस्तावना को कहा गया है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई थी, और इसके के एम मुंशी ने इसे प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली का नाम दिया है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और इसके साथ साथ 42वें संविधान संशोधन के साथ साथ समाजवादी पंथ निरपेक्ष, एक बात और याद रखिएगा, धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं दिया गया है, वो पंथ निरपेक्ष शब्द दिया गया है। और इसके साथ साथ इन दोनों शब्द के साथ एक और शब्द जोड़ा गया, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए, तो ये आप याद रखिएगा, और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या कितनी थी, तो जब हमारा संविधान बना था 1949-50 में, तब कितने थे, 395 थे अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे, और प्रेजेंट में कितने हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं, तो ये प्रेजेंट टाइम में 12 हो गए हैं, ये आप जरूर याद रखिएगा। संविधान में देश का नाम क्या दिया गया है, तो भारत अथवा इंडिया, हमारे अनुच्छेद 1 में ये दिया गया है कि भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट, प्रथम लिखित संविधान किसके द्वारा कहां पर है, प्रथम लिखित संविधान कहां का है, तो ये अमेरिका का है, और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये आंध्र प्रदेश है, 1953 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो अली फजल अली थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था
प्रशासनिक ढांचा का मॉडल भी कहते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। और मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो ये मौलिक अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड से लिए गए हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। संविधान में आपातकालीन जो उपबंध है वो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान में समवर्ती सूची का विषय कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये 368 है और ये भाग 20 में दिया गया है। ये संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या हैं? इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। पहली पहली जो संशोधन हुआ था पहला, इसी के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये भी आप याद रखिएगा। और जिसमें उल्लेखित कानूनों को पुनरावलोकन की शक्ति के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या कितनी है? तो ये प्रेजेंट टाइम की संख्या दी गई है, 61 है। राज्य सूची में, संघ सूची में 100 है और समवर्ती सूची में 52 है, तो ये आप याद रखिएगा। और ये जब मूलतः कितने थे, जब शुरू में 97 थे, इस समय 100 है। संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं ये भी पूछा जाता रहता, तो ये भी आपको जानना चाहिए। इनमें प्रमुख कौन कौन से हैं संघ सूची के अंतर्गत, ये दिए गए हैं, आप ये देख रहे हैं, संघ सूची का है ये। इसके अंतर्गत रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतरराष्ट्रीय संधि, अणुशक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेश ऋण, डाक एवं तार, प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल तथा वायु एवं जल परिवहन इत्यादि, ये सभी संघ सरकार के अंतर्गत आते हैं संघ सूची के। और राज्य सूची के विषय कौन कौन से हैं? प्रेजेंट टाइम में 61 हैं और मूलतः 66 थे। तो कौन कौन से हैं? लोक सेवा जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, कृषि, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय एवं सिंचाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी विषय इसमें दिए गए हैं, इसमें जो भी कानून बनाए जाएंगे, ये जो राज्य सूची है इसके जो भी विषय हैं, इस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, और जो संघ सूची के विषय हैं इस पर संघ सरकार कानून बना सकती है। और नेक्स्ट क्या है? समवर्ती सूची, इस विषय पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकती है, लेकिन अगर संघ और राज्य सरकार के कानूनों में मतभेद हो तो संघ सरकार का जो कानून होगा वो मान्य होगा। तो इसके अंतर्गत कितने विषय हैं? 52 विषय हैं प्रेजेंट टाइम में और मूलतः 47 थे। कौन कौन से विषय हैं? राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना एवं वन। याद रखिएगा, वन समवर्ती सूची का अब विषय है, पहले ये दूसरे का था लेकिन अब ये समवर्ती सूची में आ गया है। कुछ अवशिष्ट विधायी शक्ति होती है, इन सभी विषय के अलावा जो भी विषय बच जाते हैं वो सभी विषय पर कानून सिर्फ और सिर्फ संसद को बनाने का अधिकार प्राप्त है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केरहमी अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय इसकी रिपोर्ट पर शुरू की गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था की जो त्रिस्तरीय है ये किसकी रिपोर्ट पर प्रस्तुत की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो ये 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में लागू की गई थी। किसके द्वारा? उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये 73वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा ये पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। और ये अनुसूची 11 के अंतर्गत है और भाग 9 में अनुच्छेद कौन सा? 243 के का से लेकर 243 के का से ड़ा तक कुल 16 अनुच्छेद है। ये का से ड़ा तक के 16 अनुच्छेद है, ये याद रखिएगा। और 11वीं अनुसूची में है और भाग 9 में दिया गया है क्या? पंचायती राज, बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचा अभी मैंने बताया, और इसमें कौन कौन से होते हैं? ग्राम स्तर पर
पंचायत समिति होती है और एक जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। और क्या दिया गया है इसमें, एक तिहाई जो स्थान होते हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था जो है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों में लागू नहीं है और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी में भी लागू नहीं है। इसके अलावा इन चारों को छोड़कर अन्य सभी राज्य में लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में किस नागरिकता का प्रावधान किया गया है? तो ये एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का क्या मतलब है, जैसे आपने अगर सुना हो तो यूएसए अमेरिका में दोहरी नागरिकता दी गई है, मतलब भारत में आप भारतीय हैं, आपको सिर्फ भारतीय कहा जाता है और वहां पर आपको राज्य की अलग नागरिकता दी जाएगी और देश की अलग, दो नागरिकता दोहरी हो जाती है। और यहाँ पर सिर्फ आपको केंद्र की एक ही नागरिकता दी जाएगी, आप भारतीय हैं, सिर्फ भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूल संविधान में कितने अधिकार थे, मौलिक अधिकार थे? तो 7 थे। प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, 6 हैं। जो संपत्ति का अधिकार था वो हटा दिया गया था, हटा के कहाँ रखा गया, आप यहाँ पर देख रहे हैं, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 300 का में कर दिया गया। और ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया। इसके कुछ मौलिक अधिकार के इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप वो भी देख लीजिए। संविधान के तीसरे भाग में दिया गया है, भाग 3 में ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और यह इसकी जो प्रहरी है वो सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्या है, सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा ये सीमित नहीं किए जा सकते हैं, किसी मामले में सीमित भी किए जा सकते हैं, वो डिटेल में जब आप पढ़ेंगे तब जानेंगे। मौलिक अधिकार हैं कौन कौन से, मैं आपको वो बता दे रही हूँ। समता का अधिकार यानी समानता का, ये अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 22, 19 से 22 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच दिया गया है। और ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, 32 से 35, यहाँ पर ये 32 से लेके 35 के बीच दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में अनुच्छेद 51 का में वर्णित मूल कर्तव्य कितने हैं? तो कितने हैं ये, 11, टोटल 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ये याद रखिएगा कि ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए और ये रूस के संविधान से लिया गया है और इसे भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। टोटल संख्या 11 है। नेक्स्ट क्या है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 17 में। और प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दिया गया है, अनुच्छेद 19(1) का में। नेक्स्ट, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 21 में दी गई है, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किस संशोधन के तहत किया गया है? तो ये 86वां संशोधन है और ये 2002 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसद के अंग कौन कौन से होते हैं? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 52 है, इसी के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई। राष्ट्रपति से इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जो है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति भारत गणराज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है और इसे कार्यपालक कार्य के लिए उसी के नाम से जाना जाता है। और ये अनुच्छेद 53 के अनुसार, यहाँ पर अनुच्छेद भी बता रही हूँ तो आप ये देखे जाइएगा किस अनुच्छेद में क्या क्या दिया गया है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और यह राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेना नायक भी होंगे। और यह राष्ट्रपति हमारे देश के आपातकाल लगाने हटाने के लिए युद्ध शांति की घोषणा करने वाले भी होते हैं। भारत देश के यह प्रथम नागरिक हैं और भारतीय नागरिक
अगर कोई राष्ट्रपति बन रहा है तो उसे भारत का नागरिक होना जरूरी है, वो यहाँ जन्मा है या नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वह जब राष्ट्रपति बन रहा हो तो उस समय उसे भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। और वर्तमान समय में कौन है हमारे देश के राष्ट्रपति, तो ये हैं रामनाथ कोविंद, और ये 14वें नंबर के हैं। ये भी याद कर लीजिएगा कि 14वें नंबर के हैं। यहाँ पर फोटो दी गई है रामनाथ कोविंद की, आप देख सकते हैं ये रामनाथ कोविंद हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या है, कुछ राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं वो सीमित किए गए हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्री परिषद के द्वारा जो भी आदेश दिए जाते हैं उन्हीं का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत का राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। तो ये याद रखिएगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। 5 वर्ष के लिए कौन कौन चुने जाते हैं, किसके किसके द्वारा, तो लोकसभा प्लस राज्यसभा और राज्य की जो विधानसभा होती है उसके सभी निर्वाचित सदस्य। तो ये याद रखिएगा, जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, और जो राज्य की विधान परिषद होती है उसके भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और ये अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियां दी गई हैं, वह दंड का उन्मूलन, क्षमा, आहरण, मतलब जो अगर किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो वो उसे आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, दंड को कम कर सकते हैं या उसे समाप्त भी कर सकते हैं। तो ये अधिकार राष्ट्रपति को दिए गए हैं। नेक्स्ट, विधायिका की किसी कार्यवाही को विधि बनाने से रोकने के लिए राष्ट्रपति को वीटो शक्ति भी दी गई है। तो 3 प्रकार के वीटो हैं जो राष्ट्रपति के पास हैं, कौन कौन से हैं। एक होता है पूर्णकालिक वीटो, यहाँ पर ये कट गया है, पूर्णकालिक वीटो। दूसरा निलंबनकारी वीटो, और तीसरा होता है पॉकेट वीटो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष दोनों लोगों का होता है, और राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया कौन सी है, महाभियोग है अनुच्छेद 61 के तहत। तो ये भी याद रखिएगा, और अगर राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा रहा है तो इसके तहत राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी कि आपके ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है, ये भी बदल दिया गया है। तो ये अब कितना है, 5 लाख राष्ट्रपति का है और उपराष्ट्रपति का 4 लाख मासिक वेतन है। नेक्स्ट, लोकसभा कौन भंग कर सकता है, तो राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं अनुच्छेद 85 के तहत। नेक्स्ट, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया तो कौन से ये थे, कौन थे ये राष्ट्रपति, एम हिदायतुल्ला। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, और ये किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो ये प्रतिभा पाटिल थी। नेक्स्ट, संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो ये राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन जो उसकी अध्यक्षता होती है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं समझा दे रही हूँ। अगर राष्ट्रपति अधिवेशन बुलाते हैं लेकिन जो उसकी अध्यक्षता होती है वहां पे जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष ही होते हैं। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये याद कर लीजिएगा समझ के, कि जो अधिवेशन बुलाया जाता है, आवाहन किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन जो उसकी अध्यक्षता होती है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत किस राज्य में लागू किया गया था, तो पंजाब में, कब, 1951 में। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है, विवादों का निपटारा कौन करता है, निपटारा है ये, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संभालते हैं। अभी मैंने बताया एम हिदायतुल्ला हैं, जो एक ही ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति भी कहते हैं। तो एग्जाम में अक्सर पदेन सभापति लिखा रहेगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, अध्यक्ष या पदेन सभापति दोनों बोलते हैं, तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपराष्ट्रपति का चुनाव में कौन भाग लेता है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर संसद के जो मनोनीत और निर्वाचित सदस्य हैं सभी लेते हैं, सिर्फ संसद के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच के कड़ी के रूप में कौन काम करता है? तो प्रधानमंत्री हैं जो मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी के रूप में काम करते हैं। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में, और लोकसभा का 6 मई 1952 में, ये भी पूछा जाता रहता था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो लोकसभा में अधिकतम 552 हो सकते हैं और राज्यसभा में 250। बेहद इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में अक्सर एक एक बार तो पूछा जाता रहता है, अगर 2-4 शिफ्ट में पेपर हुआ है तो ये क्वेश्चन इनमें से एक जरूर आएगा। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष और लोकसभा के 5 वर्ष। नेक्स्ट, प्राकलन समिति में कितने सदस्य हैं? तो इसमें 30 सदस्य होते हैं और ये सभी लोकसभा के होते हैं। प्राकलन समिति क्या है, मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको बता दूंगी डिटेल में, इसमें क्या क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 5-25 वर्ष लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के प्रति, मंत्रिपरिषद जो होती है पूरी की पूरी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल कितनी संख्या होनी चाहिए? तो जो संसद जब चलती है, लोकसभा का जब कार्यवाही चलती है, तो उसके लिए 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता रहता है, तो ये आप याद रखिएगा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनमें 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट, धन विधेयक किस अनुच्छेद में दिया गया है? बेहद इंपॉर्टेंट, 110 में दिया गया है। और वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 112 में। धन विधेयक वित्त विधेयक में क्या डिफरेंस है, ये आप इन अनुच्छेद में जाके देख सकते हैं, डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। इसे राज्यसभा से सिर्फ पारित कराया जाता है और लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो केवल एक। विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय सदस्यों के केवल एक सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। और जो लोकसभा है वहां पर जो राष्ट्रपति हैं वो, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ, देख लीजिए, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और जो राज्यसभा है वहां पर राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। लोकसभा में ये आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग होते हैं और ये विधानसभा में भी आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम 60 हो सकती है, अधिकतम 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होती है विधान परिषद के लिए और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। जैसे लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, तो ये सेम ही है। अब ये राज्य और केंद्र के अनुसार इसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो ये विधानमंडल द्वारा किया जाता है।
जैसे जब राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी करते हैं तो उसे संसद के द्वारा मंजूर किया जाता है, तो उसी तरह से गवर्नर यानी राज्यपाल द्वारा जारी किया गया कोई भी अध्यादेश विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। जो अभी कृषि आंदोलन चल रहा है, जो कृषि कानून पारित किए गए थे लॉकडाउन के समय में, वो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश के माध्यम से ही पारित किए गए थे, तो ये आप याद रखिएगा। और जैसे ही संसद का सत्र आरंभ हुआ, इसे लोकसभा और राज्यसभा में पारित करा लिया गया। नेक्स्ट, विधानसभा के दो सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? तो 6 महीने होता है। नेक्स्ट, लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? तो ये 42वां संविधान संशोधन होता है, और यह 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर कितने महीने तक बना रह सकता है? तो ये 6 महीने, तो बेहद इंपॉर्टेंट है। 6 महीने तक उसे संसद में, वो जब चुनाव होते हैं तो कोई भी मंत्री बना दिया जाता है, लेकिन जो पद भी पद खाली होते हैं या राज्यसभा या लोकसभा में, तो वहां उसे 6 महीने के अंदर वहां का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। तो ये अब याद रखिएगा, 6 महीने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल दोनों लोगों का 6 वर्ष होता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी लोगों का, जैसे आपने राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का देखा, इनका 5 वर्ष होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये याद रखिएगा। और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इनका भी कार्यकाल वो 6 वर्ष का होता है, बेहद इंपॉर्टेंट। लेकिन लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? तो 1 माह के अंदर आपातकाल जब घोषित किया जाता है, तो 1 महीने के अंदर उसे संसद की स्वीकृति देना अनिवार्य है। नेक्स्ट, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल क्या होता है, आप न्यूज में आता रहता है, देख सकते हैं, वरना इस 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जाके देख सकते हैं कि दल बदल कानून क्या होते हैं। नेक्स्ट, संसद भवन का रूपरेखा किसने तैयार किया था? सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था, बेहद इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है। इस समय वैसे भी हमारा जो संसद भवन है वो नया बन रहा है, तो इसलिए भी ये न्यूज में अक्सर चर्चा में रहेगा, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त तो बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 108 के तहत संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त तो बैठक की जाती है। नेक्स्ट, प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित हुआ था? तो ये 1955 में गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 124 में किया गया है, उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्याय पुनरीक्षण का अधिकार कौन सा अधिनियम प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद है, तो ये अनुच्छेद 137 प्रदान करता है, न्यायिक पुनरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक कौन माना जाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, महान्यायवादी याद रखिएगा। नेक्स्ट, महान्यायवादी होते कौन है? भारत के विधि अधिकारी होते हैं, जैसे मान लीजिए भारत सरकार का कोई केस है या कहीं लड़ना है, तो वो महान्यायवादी के मतलब देख रेख में ही वो सारे कार्य किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत के उच्च न्यायालय का गठन कब और किन स्थानों पर हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय कहाँ बने थे? 1862 में बने थे, कहाँ पर? कोलकाता, तब कलकत्ता था, मुंबई तब बंबई था, और ये मद्रास में, ये 3 बने थे, बेहद इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है उनकी 65 वर्ष है, और जो उच्च न्यायालय के हैं उनकी 62 वर्ष है, तो ये आप याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 22 होते हैं, इसमें से जो राज्यसभा है उसके 15 सदस्य होते हैं, सॉरी लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7, बेहद इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता रहता है, आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 51 में दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। और अनुच्छेद 51 का कंफ्यूज नहीं होना है, अनुच्छेद 51 का में क्या दिया गया है, मूल कर्तव्य। तो ये भी आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य, लेकिन 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा दी गई है। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 साल तक का होता है, और 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हुए इनमें से। 6 साल तक अगर वो 65 वर्ष के नहीं होते हैं तो होगा, और 65 वर्ष के हो जाते हैं तो 6 साल के पहले भी रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? अनुच्छेद 32 को कहा गया है संविधान की आत्मा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक तत्व तो एक ऐसा चेक है जिसे सुविधा पूर्वक भुनाया जा सकता है, यह किसका कथन है? तो ये केटी शाह ने कहा था, बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। ये भी आप याद रखिएगा कि राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है, और अन्य लोगों का भी शपथ ग्रहण आप जान लीजिए, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति हो गए, उन्हें कौन शपथ ग्रहण करवाता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाते हैं, और जो उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हें राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करवाते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, बेहद इंपॉर्टेंट, 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले रिट, जो रिट हैं वो कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, टोटल 5 हैं। राष्ट्रगान जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया? तो ये 24 जनवरी 1950 को, बेहद इंपॉर्टेंट, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जो राष्ट्रगान है वह सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? तो ये 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया, बेहद इंपॉर्टेंट, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कहाँ गाया गया? ये राष्ट्रगान था जो मैंने अभी आपको बताया, जनगण मन का, 27 दिसंबर 1911 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, और यहाँ पर ये भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, ये 1896 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, सन याद रखिएगा क्योंकि सन अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य की पहली महिला उपराज्यपाल कौन थी? तो ये श्रीमती सरोजनी नायडू, यूपी के पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश के पेपर में पूछा जाता रहता है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है और प्रथम है, तो इंडियन लेवल पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों उत्तर प्रदेश की थी, तो मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। राज्यपाल सरोजनी नायडू, दोनों उत्तर प्रदेश की बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस वीडियो में हमने देखा 105 क्वेश्चन टोटल, मैंने 100 कहा था लेकिन टोटल 105 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बचा है अभी, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास। किस अनुच्छेद के तहत? 143 के तहत। तो इस वीडियो में मैंने आपको 100 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर बताए, तो अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है तो आप इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और वीडियो अच्छी लगी या अन्य कोई भी जो भी बातें हों आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको अन्य किसी टॉपिक पर वीडियो जाननी है तो। तो इस वीडियो में बस इतना ही।